नमस्कार, न्यूज 5 पीएम जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। संस्था अदब शराय के संस्थापक मकसूद अनवर मकसूद ने आज अदब शराय के दफ्तर आजाद नगर में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्था अदब शराय के तत्वाधान में पाटडी रजवाड़ा पैलेस में 1 मई शाम 6 बजे से अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा एवं पुस्तक आसमां तू ही बता का लोकार्पण होगा, जिसमे देश विदेश के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक शिरकत करेंगे। इसी प्रोग्राम में जो कल मुनक्किद होने वाला है अदब सराय के बैनर तले डॉक्टर खालिद मुबशिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो हिंदुस्तान का एक मारूफ इदारा है, आज उसके प्रोफेसर आ रहे हैं, उर्दू के तवस्सुस से आ रहे हैं। आज उर्दू के तवस्सुस से उन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया है। तो ऐसी सोच भी नहीं पालनी चाहिए कि उर्दू के जरिए अगर आपके अंदर सलाहियत है। मैं खुद साइंस का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेरी शनाख्त उर्दू से है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उर्दू ऐसी जबान कतई तौर पर नहीं है कि जिस जो आदमी को शनाख्त नहीं देती और आदमी को रोज़गार नहीं देती। लिहाजा हाँ, वो जो रोज़गार के का जो अंग्रेज़ी जबान के मुकाबले अगर देख लें कॉम्पेरेटिवली, नो डाउट उर्दू में वो ज़राए नहीं हमें आपको मैसर हैं। बावजूद इसके अपनी तशख्खुश को बचा अपना तशख्खुश बचाने के लिए हमें उर्दू पढ़ना लाजिम है, उर्दू सीखना लाजिम है और उर्दू अखबारात उर्दू रसायल की खरीदारी भी लाजिम है ताकि उर्दू को फ़रोग मिल सके। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? आप अपने घरों में हिंदी अंग्रेज़ी के अखबारात और रसायल तो मंगाते हैं, उर्दू के अखबारात भी उर्दू के रसायल भी मंगाएं ताकि उर्दू के तहीं आपके बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो। वो अपनी अपने जो है वो आबा व अजदाद जो हमारे तारीखी पस मंज़र हैं उस पर जो है नज़र डाल सकें और दीनी मालूमात हासिल कर सकें ताकि राह रास्त पर रह सकें। आज जो लोग हमारे बच्चे कुछ बच्चे जो भटक से गए हैं, दरअसल दीनी मालूमात की कमी की वजह कर, और ये दीनी मालूमात को हासिल करने का बेहतरीन जरिया उर्दू।